दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज को। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उसे आपको प्रेस कर देना है जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही बेल आइकन का जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम इस चैनल पर सरकारी नौकरी प्रवेश परीक्षा रिजल्ट किसी भी तरह का अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आंसर की जारी की गई है, तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिभा खोज परीक्षा की आंसर शीट जारी, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और से पिछले माह हुई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और राज्य प्रतिभा खोज परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड प्रशासन ने जारी कर दी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव के मुताबिक 4 नवंबर 2018 को आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम स्तर और 18 नवंबर 2018 को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएँ जारी कर दी गई हैं। ये आंसर शीट यानी कि आंसर की बोर्ड की वेबसाइट raj.edu.bo.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई, यानी कि राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही अपलोड कर दी गई हैं। यदि किसी परीक्षार्थी को इन उत्तर पुस्तिकाओं में किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में दी गई ईमेल द्वारा अपनी आपत्ति 14 दिसंबर तक दर्ज करवा सकते हैं। तो ये राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दोनों ही की आंसर की जारी कर दी है। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है वो अगर उन्हें किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है, उत्तर पर आपत्ति है, तो वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के ईमेल उनको करना पड़ेगा कि ये उत्तर गलत है, ये उत्तर सही है, विद साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। तो 14 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है आपत्ति लगाने की, उसके बाद कोई आपत्तियाँ मान्य नहीं होंगी। तो बिल्कुल आपने अगर एग्ज़ाम दी है कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों ने तो वो आंसर शीट चेक कर सकते हैं और आपत्ति लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस जानकारी को शेयर भी करें। जय हिंद जय भारत।